ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं सेवेंथ कैंटो एंड 11 चैप्टर 35th वर्स। यस्य यत् लक्षणं प्रोक्तम् पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् यद् अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। यस्य यद् लक्षणं प्रोक्तम् पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् यदन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। शीला प्रभुपाल लिख रहे हैं, इंग्लिश में मैं इसको हिंदी में कर दूंगा। If one shows the symptoms of being Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra as described above, even if he has appeared in different class, he should be accepted according to those symptoms of classification. मतलब अगर कोई अगर कोई लक्षण दिखाता है ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के, तो उसको उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया मगर उसमें वैश्य के लक्षण है तो उसको वैश्य ही मानना चाहिए, या शूद्र के कुल में जन्म लिया और वो अगर उसके ब्राह्मण के लक्षण है तो ब्राह्मण मानना चाहिए उसको। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत फेमस श्लोक है। इनफैक्ट ये एक ही श्लोक है श्रीमद् भागवतम में जिसके बल पे हम लोग कास्ट को स्वामियों से और कर्मकांडियों से लड़ते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जन्म से निर्धारित होता है नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय। पहले तो यही चलता था, नहीं ब्राह्मण बात तो यही था, हम ब्राह्मण के कुल में। तो सारे वैष्णव आचार्य ब्राह्मणुजा मध्वा हम लोग सब ये श्लोक कोट करते हैं। इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसे ही कोई श्लोक बोला है महाभारत में। सो ओके, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर पॉपट में। Herein it is clearly stated by Narad Muni that one should be accepted as Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra according to birth. One should not be accepted, for although this is going on now, it is not accepted by Shastras. Point ye hai ki, main explain karta rahunga, so that will be a good idea. Let's see, ye chal raha hai to, 3 minutes, okay. Okay, I'll just offer obeisance, fir main explain karunga. ओम अज्ञानात् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी चांदेशधारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यस्य यत् लक्षणं प्रोक्तम्। लक्षण इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस श्लोक में, लक्षण। सो लक्षण जो वर्ड है वो वैसे तो हिंदी का ही वर्ड है नहीं, लक्षण मतलब करैक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स, मगर एक्चुअली फिलोसॉफिकल वर्ड है ये लक्षण। अगर आप न्याय शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें बार बार इस्तेमाल हो रहा है शब्द लक्षण। साधारण लौकिक भाषा में लक्षण मतलब इसके लक्षण क्या है, ये शैतान है या अच्छा है, नहीं उससे पता लग जाएगा। बट फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, सिद्धांतिक भाषा में, न्याय में लक्षण यूज होता है। इनफैक्ट जीवा गोस्वामी ने भी भक्ति संदर्भ में इस्तेमाल किया है वर्ड लक्षण, क्योंकि भक्ति के भी लक्षण होते हैं नहीं, शरणागति के भी लक्षण है। उसके बाद किसी के चरित्र के भी लक्षण होते हैं, नीति शास्त्र में इस्तेमाल होता है शब्द लक्षण, धर्म शास्त्र में इस्तेमाल हुआ है लक्षण, कि धर्म के भी लक्षण है कुछ, धर्म के अधर्म के, मगर हर जगह थोड़ा अलग अलग सेंस है इस वर्ड का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भक्ति में इस्तेमाल हो रहा है लक्षण वर्ड,
तो उसका मतलब क्या है? तो हम कहते हैं भी शरणागति, भक्ति मतलब शरणागति, शरणागति के लक्षण क्या है? तो उसके लिए एक श्लोक कोट किया जाता है। कौन सा श्लोक है किसी को पता है? अनुकूलस्य संकल्प प्रति नहीं है, प्रातिकूलस्य, और अनुकूल भी नहीं है, अनुकूलस्य लक्षण, प्रातिकूलस्य। अनुकूल नहीं कहते, अनुकूल कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत फर्क हो गया। अनुकूल कहोगे तो फिलॉसफी चेंज हो गई हमारी, दैट्स अ होल आइडिया। अनुकूलस्य संकल्प ये गलत है, क्योंकि अनुकूल अगर आप कहोगे तो इसका मतलब है कुछ चीज अनुकूल है। अनुकूल मतलब जो भी सब कुछ अनुकूल है वो भक्ति में ले लेना, अनुकूल। अनुकूल मतलब वेल हम अपनी मर्जी से लेंगे, अनुकूल जो है उसमें भी हम मर्जी से निकाल लेंगे, जो सही है गलत है गलत है, दैट्स अ बैड थिंग। अनुकूल, अनुकूल का मतलब ये भी होता है शास्त्रों के अनुसार, अदरवाइज अनु अनु अनुकूल। सो अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम राक्षिष्यति इति विश्वास गोप्त कृते वर्णम तथा उसके बाद आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षट्विद्धा शरणागति। ये श्लोक कहां से? भक्ति रसामृता। कौन सा नंबर है? यू शुड नो दिस, जब इतना फेमस वर्ड है तो पता होना चाहिए। नहीं, 1 पॉइंट, चलो होमवर्क है, देख के आना, मैं 1 पॉइंट है और कुछ नहीं, देख के आना। ओके, बट द होल आइडिया इज भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी ने कोट किया है श्लोक है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी ने नाना शास्त्र विचारायण का निपुण, अलग अलग शास्त्रों से श्लोक लिए हैं। तो ये कौन से शास्त्र से? दैट्स अ होल क्वेश्चन। किसी को पता है कौन से शास्त्र से? सो यू शुड नो दिस, श्री संप्रदाय का पेट श्लोक है श्री संप्रदाय, और हम लोगों ने श्लोक श्री संप्रदाय से लिया है, क्योंकि श्री संप्रदाय का बेस जो है, अगर श्री संप्रदाय वाले से पूछो भी आपकी सारी शिक्षाओं की एक शिक्षा बताओ तो वो ये श्लोक बताएंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, उनसे पूछो कि आपने कहां से श्लोक लिया है तो वो तो कहेंगे भी शास्त्रों से लिए। कौन से शास्त्र? अहेर बोधन्या संहिता। अहेर बोधन्या संहिता एक संहिता है, पांच रात्रिक टेक्स्ट है, क्या कहते हैं, तीन तीन सबसे इंपॉर्टेंट पांच रात्रिक टेस्ट होते हैं। पांच रात्र, एक तो वेद हो गए, पुराण हो गए, पांच रात्र हो गए। पांच रात्र जो है वो सिखाते हैं कि कैसे भगवान के अर्च वगैरह की पूजा करनी है। नहीं, वेद सिखाता है धर्म, वेद धर्म सिखाता है, यानी धर्म क्या है। पुराण सिखाता है कि उस धर्म को जीवन में अप्लाई कैसे करना है, हिस्ट्री है। नहीं, अब आप वेद पढ़ोगे, वेदों में तो लिखा है सत्यम परम धर्म, सत्य बोलना कैसे है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, उसे कौन बताएगा? वो पुराण। सो पुराण वो है जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं। पुराण का मतलब हिस्ट्री हो गया, नहीं, पुराण मतलब हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या करती है, इतिहास क्या करता है? इतिहास हमें सिखाता है कि अब जो हम कर रहे हैं कैसे करना है, वरना हम वही गलतियां करेंगे जो इतिहास में हो चुकी है। नहीं, वो गलतियां मत करो जो पहले हो चुका है, जो पहले लोगों ने सही किया आप वैसा कर लो तो आपका भविष्य अच्छा होगा। तो पुराण सिखाता है कि धर्म को अप्लाई कैसे करना है, और पंचरात्र टेक्स्ट वो सिखाते हैं कि धर्म को क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल शेप कैसे देनी है। प्रैक्टिकल शेप कैसे कहेंगे हिंदी में, या व्यवहारिक रूप देता है धर्म को। अभी सत्य बोलो, तपस्या करो, दया करो, तो अब व्यवहारिक रूप कैसे दें? ओके फाइन, धर्म को व्यवहारिक रूप कैसे दें? मंदिर से, मंदिर हो, भगवान हो, क्योंकि पता है धर्म की परिभाषा क्या है, किसी को पता है? भागवत के अनुसार धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भागवत के अनुसार है। धर्म क्या है? जो भगवान ने प्रणीतम मतलब बोला है,
धर्मम तु साक्षात भगवान, जो साक्षात भगवान ने बोला वो धर्म है। ओके गुड। मगर एक और श्लोक है धर्म का वाल्मीकि रामायण में कि रामो रामः रामो विग्रहवान धर्म, राम भगवान का विग्रह ही साक्षात धर्म है। नाउ यू कैन इमेजिन, मतलब आपको आपको भगवान जो बोल रहे हैं वो तो है ही धर्म, मगर भगवान खुद ही धर्म है। इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ने से और कृष्ण लीला पढ़ने से आपको धर्म अपने आप आ जाएगा। ऑफ कोर्स द आइडिया इज आपको उस दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा वरना नहीं आएगा। सो ऐसे यहां पर भी है धर्म को का जो धर्म का जो विग्रह है वो राम है, धर्म का जो व्यवहारिक रूप है वो पंचरात्र है। मतलब समझ लो मंदिर समाज व्यवहारिक रूप यही तो है। धर्म को व्यवहारिक रूप में कैसे लाएंगे, व्यवहारिक रूप क्या, वर्णाश्रम। धर्म का व्यवहारिक रूप वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आप डिवाइड कर दो सोसाइटी को तो धर्म अच्छी तरह चल सकता है नहीं, किसकी क्या ड्यूटीज हैं। सो पंचरात्र धर्म धर्म का व्यवहारिक रूप है। तो तीन पंचरात्र टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिव्यांशु मत करो उसको। तीन पंचरात्र टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है अहिर्बोधन्या संहिता जो जिससे श्लोक है अनुकूल से संकल्प, दूसरा कौन सा है, दूसरा है जया आख्या संहिता, जया आख्या, और तीसरा है सातवत संहिता जो हम लोग गौड़िया वैष्णव जिसको बेस मानते हैं। सातवत संहिता, सातवत संहिता का ही पाठ नारद नारद पंचरात्र है। इसको थ्री बास्केट्स कहते हैं, थ्री बास्केट्स ऑफ पंचरात्र। थ्री बास्केट्स बुद्धिज्म में भी आते हैं, त्रिपिटका उसको कहते हैं, त्रिपिटका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में भी तीन मेन बुक्स हैं। सो एनीवे बिसाइड्स दैट, सो ये श्लोक अहिर्बोधन्या संहिता में याद कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है अनुकूलस्य संकल्प। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो भक्ति में हम बात कर रहे थे, भक्ति का लक्षण क्या है, ये अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। अगर आपको पता लगाना है किसी में भक्ति है तो आपको ये छह चीजें देखनी पड़ेंगी। आप ये मत देखना तिलक लगाए, कंफ्यूज हो जाओगे, तिलक लगाने वाले बहुत हैं। ये मत देखना कंठी पहनी है, कंठी पहनने वाले भी बहुत हैं। ये मत देखना वो सोलह माला जप कर रहा है, सोलह माला करने वाले भी बहुत हैं मगर भक्त नहीं है। भक्त एक अलग होता है नहीं। सो भक्त के वेश में असुर भी हो सकते हैं, वो ऐसा भी होता है। सो वो इससे कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब ये जो लक्षण है इससे आपको पता नहीं लगेगा कि भक्ति है, मगर जहां भक्ति है वहां लक्षण जरूर हो सकते हैं, उल्टा जरूर होगा। समझ गए ना, समझ गए नहीं समझ गए, मतलब बीड़ी पीने से क्या होता है, कैंसर होता है ना। और अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि बीड़ी पीता है, जरूरी नहीं है, और भी तो कारण है। तो ऐसे ही ये अगर किसी पे लक्षण है, कंठी तिलक माला जप कर रहा है, तो हो सकता है भक्त है, हो सकता है भक्त नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है उसके अंदर, मगर अगर वो भक्त है तो ये लक्षण जरूर होंगे, उल्टा जरूर है, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे ही चलता है। मतलब दूध से दही आता है, दही से दूध नहीं आता, बस ये समझ लो आप, उल्टा नहीं कर सकते। सो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो भक्ति के लक्षण है ये श्लोक, आपको देखना पड़ेगा कि कितना वो अनुकूल प्रतिकूल रक्षिष्यति विश्वासी कैसे कितने लक्षण है। अब उसको देखने के लिए आपके पास आपको उसके अंदर झांक के देखना पड़ेगा वरना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये तो अंदर ही है ना, ये तो बाहर थोड़े ना है, ये बाहर थोड़े ना कोई दिखाई दे रहे हैं ये सब। सो इसलिए कई तरह के डिवोटी होते हैं, हमारे आचार्यों ने भी लिखा है, भक्ति ठाकुर ने भी लिखा है, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी भी लिख रहे हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम है नहीं, यही है ना, पढ़ा है ना, कनिष्ठ भी कंठी पहनता है, पहनते नहीं पहनते, उत्तम भी कंठी पहने, कनिष्ठ भी तिलक लगाएगा, उत्तम भी, कनिष्ठ भी सोलह माला करेगा, वो भी सोलह माला करेगा, बट डिफरेंस है तो किसके बेस पे डिफरेंस है। नाउ दैट्स द होल आइडिया, नहीं भक्ति के लक्षण अनुकूलस्य संकल्प, वही श्रद्धा के लक्षण ही है ये समझ लो। सो भक्ति में लक्षण शब्द देख रहे हो आप किस तरह से इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार
और किसमें मैंने बोला था लक्षण, और क्या बोला था मैंने, हाँ धर्म, तो धर्म के भी लक्षण है कुछ। धर्म के लक्षण क्या है, क्या कहते हो, भागवत कह रही है क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि वहां पे धर्म है? सत्य दया तपा शौचम, ये धर्म के लक्षण है। जहां पे चार चीजें वहां धर्म है, जहां चार चीजें नहीं वहां धर्म नहीं है। धर्म का वैसे एक ही लक्षण है, नीति शास्त्र में लिखे लिखा है। एक्चुअली एक नीति शास्त्र है, कामंडक्य नीति शास्त्र, कामंडक्य नीति शास्त्र, मतलब जहां धर्म हमें बताता है क्या करना है, वहां नीति बताती है कैसे करना है। दैट्स अ होल डिफरेंस। धर्म बताता है व्हाट टू डू, नीति बताती है हाउ टू डू। नीति वर्डली विजडम देती है। सो धर्म के लक्षण नीति में लिखा है, कामंडक्य नीति शास्त्र में। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग, आई मीन टू से, विदुर नीति में लिखा है कि सबसे बड़े नीतिज्ञ शुक्राचार्य, और शुक्र नीति में लिखा है सबसे बड़े नीतिज्ञ ऋषि रामचंद्र है। दैट्स हाउ इट गोस। नीतिज्ञ, इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण शुरू में राम के गुण में लिख रहे हैं नीतिवान नीतिज्ञ। सो नीति कहती है धर्म का लक्षण क्या है, जहां जहां निस्वार्थता है वहीं धर्म है, बस एक ही लक्षण है। श्री रामचंद्र भी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मण से, लक्ष्मण मैं एक ही लाइन में बताता हूं क्या धर्म है, जहां तुम निस्वार्थ देखोगे वहीं धर्म मानो, जहां स्वार्थ है वहां धर्म नहीं है, बस दैट्स ऑल फिनिश। क्योंकि जो क्योंकि महाभारत में ना दुर्योधन ने भी पूछा था कृष्ण भगवान से, जब उसको उसको मरवा दिया था ना, जैसे पैर 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 पे चीटिंग से भीम को बोल दिया भी इसका पैर तोड़ दो, जंगा तोड़ दो, उन्हें तोड़ दी, तो दुर्योधन ने पूछा कृष्ण से कि भी आपने बाद में मिलने का है कृष्णा और अर्जुन और युधिष्ठिर, तो अभी उन्होंने मतलब कि आपने तो चीटिंग करवा दी, आपने तो मेरी जिंदगी तोड़वा दी, मतलब ये तो गलत है, नीचे नीचे नाभि के नीचे तो मार ही नहीं सकते उसको। तब कृष्ण भगवान ने बोला दुर्योधन तुम बेवकूफ हो, क्योंकि लोक कल्याण के लिए अधर्म ही धर्म है। निस्वार्थ होकर अगर अधर्म किया जाए तो वो भी धर्म बन जाता है, और अगर स्वार्थ के साथ धर्म किया जाए तो वो भी अधर्म बन जाएगा। तभी तो ढोंगी गुरु हैं सारे, धर्म तो कर ही रहे हैं मगर अंदर स्वार्थ है तो वो तो खराब हो गया सब। सो ये नीति में ये धर्म के लक्षण है, समझ गए नहीं समझ गए। सो ऐसे लक्षण वर्ड अलग अलग तरीके से यूज हुआ है। यहां पे जो लक्षण वर्ड यूज कर रहे हैं, यस्य यद् लक्षणम् प्रोक्तम्, यहां पे लक्षण वर्ड यूज किया जा रहा है वर्णाश्रम के कॉन्टेक्स्ट में, वर्णाश्रम धर्म। सो वर्णाश्रम व्यवहारिक रूप है धर्म का, और वर्णाश्रम में लोगों के लक्षण देखने होते हैं, व्यक्तिगत लक्षण भी। ऑफकोर्स आई एम टू से, आप वर्णाश्रम मानो नहीं मानो एक ही बात है, आपका वर्णाश्रम क्या है, बट वर्णाश्रम मत मानो। वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम साइंटिफिक सिस्टम है मैनेजमेंट का, और कुछ नहीं है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, साइंटिफिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का बस। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वालिटीज है, आपको उसके हिसाब से उनको उनको अपना काम देना है करने को, बस हो जाएगा, वो वर्णाश्रम है, सिंपल हो गया। सो नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान भी कह रहे हैं चतुर्वर्णमया सृष्टम गुणा कर्म, गुण से देखना चाहिए कि व्यक्ति क्या। इनफैक्ट धर्मशास्त्र में लिखा है कि अगर किसी चीज का संचय करना है तो दो चीजों का संचय करो, गुणों का और ऑफ कोर्स भक्ति का, गुण और भक्ति, अच्छे गुण और भक्ति, या यूं कह लो नीति और प्रीति, ये समझ लो। दो चीजों का संचय करना चाहिए, नीति, नीति क्या है, अच्छे गुण, नीति का सारी है। आई मीन टू से सारी नीति, सारी पॉलिटिक्स का सार यही है कि भाई सब में अच्छे गुण आए, उस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, है नहीं? आपका मैनेजमेंट का फायदा ही क्या अगर किसी में अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही, शो चल रहा है वो तो बेकार है, शो चलाना तो बेकार है, सच्चा बंद ही कर दो शो। मोस्टली कलयुग में ऐसा ही है, नहीं, इंस्टीट्यूशंस बन जाती हैं फिर शो चलता है, चलाना पड़ता है,
इतना बड़ा हाथी बना लिया तो क्या करोगे, खिलाना भी है चलाना भी है। बट वो भी जरूरी होता है कभी कभी चलाना, मगर वो इस कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए कि लोगों में सारे बुरे गुण आ जाए, गलत तरीके से मैनेजमेंट, गलत तरीके से पॉलिटिक्स हो जाए, इधर का उधर करो आप, उसको करो उसको, वो सब बेकार है, नॉनसेंस है, वो टाइम वेस्ट है। अगर व्यक्ति का चरित्र ही ठीक नहीं हो पाया तो आपने किया क्या है फिर, और दूसरों का चरित्र ठीक नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा, देखना आप भी परेशान रहोगे हमेशा। सो बट द होल पॉइंट इज, वेल होल पॉइंट इज कि अच्छे गुण का संचय करना चाहिए, मगर अच्छे गुण होते क्या है वो बहुत बड़ी बात है, वो हमें पता ही नहीं उसकी डेफिनेशन। हमें लगता है कि हमें पता है सत्य क्या है, मगर एक्चुअली कुछ और ही होता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, भगवद गीता में भगवान दिव्य गुण की चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? 16वें और 13वें अध्याय में दिव्य गुण ये है, नहीं अमानत्वम अदम अदम्बित्वम शांतिर आर्जवम नहीं श्री चापलम क्षमा दया। ओके क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो मैं डिस्कस भी करता था, क्षमा क्या होती है कोई बताएगा? ठीक है क्षमा होनी चाहिए, अच्छा गुण है, ठीक है ओके। अब क्षमा होनी चाहिए, अब क्या है क्षमा? व्हाट यू से? झुकना नहीं, सिरा वो नहीं है, जो हर व्यक्ति झुकता है क्या उसमें क्षमा है? क्षमा झुकना मतलब माफ कर देना। हाँ माफ कर देना ना, मगर माफ करने का मतलब क्या है? मतलब किसी ने ऐसा गलत किया उसके दिल से ही, मतलब उसका बुरा ही मानना उसको एकदम से। वेल अगर किसी ने मान लीजिए भगवान की मूर्ति तोड़ दी तो बुरा नहीं माने फिर, तो क्या क्षमा हुआ? गड़बड़ हो गई ना। नित्यानंद प्रभु जैसे जगाए माथे पर कृपा कर क्षमा, ये डेफिनेशन क्या है? हम कैसे करें? नित्यानंद प्रभु जो कर रहे हैं उनको करने दो, हम क्या करें? वो तो चले गया करके, हमें क्या करना है? दैट्स अ होल पॉइंट। नहीं सो क्षमा, अब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने तो पढ़ लिया क्षमा करना चाहिए, अब आप करने लगोगे फंस जाओगे, क्योंकि अपने मन से करोगे, क्या कहोगे मैं तो क्षमा करते रहता हूँ फिर भी प्रभु जी मेरे साथ तो देखो ऐसा हो गया। भाई तुम क्षमा कर ही नहीं रहे, तुम अपने मन से चल रहे हो, दैट्स अ होल पॉइंट। नहीं लोग कहते हैं ना प्रभु जी हम तो अच्छे तरह से रहते हैं, मगर पता नहीं लोग हमसे लड़ाई होती रहती है, लोग ऐसा करते रहते हैं, तुम अच्छी तरह से नहीं रहते। क्योंकि अच्छा भी एक अच्छा बनना भी एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, अच्छा क्या होता है, इसलिए हर चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए। नहीं तो क्षमा क्या है? क्षमा क्या है? क्षमा की डेफिनेशन है कि क्या है चिंतित प्रभु मैंने बताया याद, अरे याद ही नहीं। क्षमा की डेफिनेशन क्या है? क्षमा की डेफिनेशन है कि शास्त्रों के दायरे में रहकर क्षमा करनी चाहिए किसी को। अति क्षमा, हाँ या दैट पर्सन जो अति क्षमा करता है नीच लोग भी गालियां देके चले। हाँ वो हाँ एक्चुअली उल्टा कहने का फायदा है, जो अति क्षमा करेगा उसको गालियां ही पड़ेगी। तो अब अति क्षमा क्या है, पॉइंट क्या है? जो शास्त्रों की बाउंड्री के बाहर जाके क्षमा करता है उसको गालियां पड़ती हैं। शास्त्र में लिखा है कहां क्षमा करना है कहां क्षमा नहीं करना, दोनों पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई वैष्णव गाली देता तो क्षमा करेंगे? शास्त्र कह रहे हैं उसकी जीभ काट दो। अब अर्जुन के साथ प्रॉब्लम यही थी पता है, अर्जुन में अति क्षमा थी। अर्जुन कह रहा था ये फोन किसका है, फोन बंद करो, यहां पे क्षमा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स अ होल पॉइंट, आई मीन टू से अब अर्जुन अति क्षमा कर रहा है। शास्त्र में लिखा है, धर्म भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम बेवकूफ हो, शास्त्र में लिखा है कि जो ये लोग खलनायक हैं दुर्योधन और ये लोग सब अधर्म के रास्ते पर, इनको मारना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, तुम क्षमा कर रहे हो। तो क्षमा ये हो नहीं, तो क्षमा करना भी आपको सीखना पड़ेगा, कहां क्षमा करनी है कहां नहीं करनी वो शास्त्रों में लिखा है। जैसे मैं बता रहा था
भगवान, एक और एग्जांपल दे रहा था, या गीता में क्या है दैवी गुण में, ह्री चापलम, लज्जा, लज्जा होनी चाहिए। अब लज्जा एक दिव्य गुण है, क्या है, क्या करें बताओ, ये कैसे लाओगे दिव्य गुण, क्या लज्जा का मतलब क्या है? आप कहोगे स्त्रियों के लिए, नहीं पुरुषों के लिए भी है, तो हम क्या करें लज्जा का? पढ़ा है ना एक गुण, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या सब कुछ भूल गए आप? एक मिनट, तो वेल लज्जा होनी चाहिए। सो लज्जा क्या है? तो लज्जा का मतलब अब समझना पड़ेगा, लज्जा का मतलब है कि जो मर्यादा को तोड़ने में जिसको शर्म आती है वो लज्जा है, जिसको अधर्म करने में शर्म आती है। मतलब एक तो बात होती है कि गलत काम करने में हम गलत काम नहीं करना चाहते क्योंकि हमें गलत लगता है इंटेलेक्चुअली, नहीं एक आदमी को तो पता है हाँ यार गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है सही नहीं है, वैष्णव गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि अपराध लगेगा, नहीं इसलिए नहीं दे रहा मैं, मगर अंदर से गालियां निकल रही हैं, मगर भैया अपराध लगेगा इसलिए नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। मगर लज्जा है कि वो देने में शर्म ही आए आपको, अपने ऊपर शर्म आए यार ये मैं नहीं कर सकता, अपनी नजरों में आप गिर जाओगे अगर वो काम करोगे, समझ रहे हो? उसको कहते हैं सही में लज्जा, वो लज्जा का गुण इसका मतलब आप में आ गया। सो ह्री है, सो दैट्स द होल आइडिया। तो ये सब चीजें सीखनी होती हैं। सो वही बता रहे हैं यहां पर कि अगर किसी चीज का संचय करना है तो अच्छे गुणों का करो, नीति का और प्रीति का, प्रीति मतलब भक्ति, ये कमाओ, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं दुनिया में। और भक्ति बिना, प्रीति बिना नीति के होती नहीं, हो ही नहीं सकती, अच्छे गुणों के बिना भक्ति का कोई पॉइंट नहीं है। वैसे तो चलो भागवतम कहती है कि भक्ति करने से अपने आप अच्छे गुण, कौन सा श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवति अकिंचन सर्वैर्गुणछत्रय समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सती धावतो बहि। वेल कौन सा श्लोक है, कौन सा कैंटो नंबर क्या है? 5:18-12 या पता होना चाहिए सबको, नहीं अब हमारे डिवोटीज को नंबर यूं पता होने चाहिए, तब तो फायदा है कुछ पढ़ने का, वरना तो, वरना हम स्टूडेंट थोड़े ना है, वरना तो आप ठीक है आप कहोगे भाई हम तो पढ़ रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं भाई, इट शुड बी ऑन योर टिप्स, तब लोगों को लगेगा यस ये कुछ लोग हैं कुछ स्टडी कर रहे हैं, अदरवाइज तो बस मजा नहीं आएगा। 5:18-12 या जिस जो भक्ति करेगा उसमें अच्छे गुण अपने आप दैवी गुण आ जाते हैं, नो दैट्स वन थिंग, अपने आप आ जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि श्लोक क्या है, ये क्या श्लोक, ये शास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जब अकिंचन भक्ति होगी तो गुण अपने आप आ जाएंगे। हमारी भक्ति अकिंचन है अभी, अभी तो है ही नहीं अकिंचन, अकिंचन मतलब समझते हो ना आप लोग, अकिंचन क्या होता है वर्ड, क्या मतलब है अकिंचन का? अकिंचन वर्ड आता है किंचित से, किंचित मतलब समझते हो, किंचित मतलब कुछ, किंचित, किंचित हिंदी में वर्ड, हिंदी में होता है किंचित, हिंदी में होता है, हिंदी में होता है, अच्छी हिंदी में होता है किंचित, मुझे याद है, है मॉडर्न हिंदी में नहीं है, मगर बचपन में तो हमने पढ़ा हुआ है वर्ड किंचित, किंचित मात्र, तो किंचित मतलब होता है कुछ, और किंचित से आता है किंचन, किंचित से किंचन बन गया, कुछ कुछ कुछ, किंचित मतलब कुछ, किंचन मतलब कुछ कुछ, किंचन और ना वो लग गया ना, क्या कहते हैं प्रत्यय, किंचन कुछ कुछ, और अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दो बार, किंचन मतलब कुछ कुछ, अकिंचित मतलब, अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जिसके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा और कोई भी आध्यात्मिक इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा मतलब मोक्ष की इच्छा नहीं होती, कोई भी भोग की इच्छा और कोई भी मोक्ष की इच्छा नहीं है, उसको कहते हैं अकिंचन, दोनों है ही नहीं उसके हृदय में अकिंचन। जब ऐसी भक्ति होगी तब अपने आप दैवी गुण आ जाएंगे। मगर ये किसी में भक्ति, कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं यहां पे, कोई माइकल लाल कोई है? मैं भी नहीं कर सकता,
है ही नहीं, कौन कड़ा करेगा हाथ जिसमें भोग की इच्छा मोक्ष की इच्छा नहीं है, इम्पॉसिबल है। अभी तो भरे हुए हम सब, भरे ही हुए हैं भोग मोक्ष की इच्छा से। सो हमारे में देवी गुण नहीं आएंगे फिर तो क्या करें? फिर दो ही चीजें, या तो देवी गुण होंगे या असुरी गुण होंगे, न्यूट्रल नहीं होता कुछ, या तो दिन होगा या तो कि संध्या होती है, मगर वो थोड़ी सी होती है, बट या तो है या नहीं है बस। या तो अगर दैवी गुण नहीं है तो आसुरी गुण है, और अभी आपकी अकिंचन भक्ति नहीं है तो इसका मतलब अंदर क्या भरे पड़े हैं? हम मुंह से तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, अंदर आसुरी गुण है, तो आसुरी गुणों के साथ भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अंदर से आपका गंध चल रहा है ना, सब चैंटिंग कर रहे हो, माइंड भाग रहा है चैंटिंग कर रहे हो, उल्टे फुलटे विचार आ रहे हैं, अब कैसे होगा? इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब तक भक्ति अकिंचन नहीं हो जाए और उससे अपने आप गुण ना आ जाए, तब तक गुण लाने की कोशिश कर लो अपने, तो उससे भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी, अपने आप ले लो। मतलब वही बात है ना, वही भक्तियों ठाकुर एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, आप पेड़ के नीचे खड़े हो, आम लटका हुआ है, आम पक के गिर जाएगा, मगर आप पहले भी तोड़ के रख सकते हो अपने पास, है नहीं? वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, आम लटका हुआ है भाई, कब पक के गिरेगा? जैसे ही पका, एक पक्षी आया, उठा के ले गया। ये क्या है, मतलब गायब, हमें तो वेट करता रहा। सो दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आनी चाहिए, दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए मध्वाचार्य ने पॉइंट उठाया है कि भक्ति वो ही कर सकता है जिसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हो। ब्राह्मणिकल क्वालिटी कैसे कहेंगे? ब्राह्मणिकल गुण हो, दैवी गुण हो, वरना भक्ति नहीं कर पाओगे। और साधारण मतलब कॉमन सेंस की बात भी, इसके शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर अंदर से आप अहंकारी हो, अंदर से आपके क्रोध आ रहा है, द्वेष काम वासना आ रही है, तो भक्ति खाक होगी। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका एक और मतलब है, जब अकिंचन भक्ति होती है तो दैवी गुण अपने आप आ जाते हैं। दैवी गुण अकिंचन भक्ति पूर्ण शुद्ध होने के बाद जो गुण आते हैं वो कहते हैं, वो एक्चुअली अनुभव के स्तर पे आते हैं। भक्ति से पहले जो हम प्रैक्टिस करते हैं गुण, वो अनुभव के स्तर पे नहीं होते, वो हेल्प करते हैं बस, अनुकूल के रूप में, अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं। अभी जो हमारे में अच्छे गुण आएंगे वो अनुकूल होंगे भक्ति के लिए। शुद्ध भक्ति करने के बाद जो गुण आएंगे वो भक्ति के अंग होंगे, दैट्स अ होल डिफरेंस। बस ये एनीवे, उसमें मैं नहीं जा रहा, मगर समझ गए ना आप। सो ये श्लोक कह रहा है कि भाई गुणों से देखो कौन व्यक्ति कौन है, दैट्स द होल आइडिया, गुणों से देखो। भक्तिमय ठाकुर लिख रहे हैं कि मरने से पहले एटलीस्ट 10 अच्छे गुण आ जाने चाहिए आप में, मिनिमम 10 भी आ गए तो आपकी लाइफ परफेक्ट है, 10 ही नहीं आ पाएंगे आप, देख लेना। अच्छे गुण 10 नहीं आ पाएंगे, टूट जाएगा कभी, आप छोड़ दोगे जब सर्कमस्टांस होंगे, छोड़ दोगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। सो कौन कौन से गुण है? सो ब्राह्मणों के गुण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये नारद मुनि कह रहे हैं उससे देखना चाहिए। सो ब्राह्मणों के गुण कौन से हैं? प्रभुपाल लिख रहे हैं कि इवन वॉज नहीं प्रभुपाल ओके okay, ब्राह्मणों के गुण कौन से हैं? मेन गुण क्या है ब्राह्मणों का? एक गुण सबसे इंपॉर्टेंट, ज्ञान नहीं ओके सही है, ओके वो भी हो सकता है। एक अगर पता है ब्राह्मण का गुण, एक, बहुत सारे में से अगर एक सेलेक्ट करना है, चलो उल्टा करते हैं, शूद्रों का गुण क्या है? एक सेवा। अगर बहुत सारे गुणों में से एक देखना, सेवा, सेवा तो सभी करते हैं, सेवा तो ब्राह्मण भी करेगा, क्षत्रिय भी करेगा, सेवा काम है, मैं गुण की बात कर रहा हूं, कर्म नहीं, गुण, कर्म की बात नहीं कर रहा। शूद्रों का एक गुण क्या है? अगर एक देखना भी, अगर डिसाइड करना है शूद्र है, भाई एक देखना, एक मेन चीज, भय,
भाई, तभी उसको, तभी सपोर्ट चाहिए उसको। उसका मन करता है मैं किसी के अंडर रहूं, शूद्र का मन ही करता है, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा। इसलिए वो क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण किसी के अंडर रहूंगा, अभी सिक्योर हूं मैं, चल भी जो तू कह रहा करता रहूंगा, मेरी रोटी मिल रही है, मैं काम कर रहा हूं, चलो ठीक है। तो भय जिसमें, इसका मतलब वो शूद्र है पक्का। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण में शूद्र भय नहीं होता। वैश्य भी रिस्क ले लेता है बिजनेस करने के लिए, रिस्क लेने के लिए भय निर्भय होना चाहिए ना, रिस्क कैसे लेगा। क्षत्रिय तो निर्भय हो गई, भय हुआ ही नहीं, और ब्राह्मण तो पूरा निर्भय है। उसको तो उसको तो क्षत्रिय से भी डर नहीं है जो सबको मार देता है। सो भय है शूद्रों का लक्षण। भयम द्वितीय अभिनय विशिता स्यात, क्या श्लोक है, ईशाद पितस्य विपर्ययो स्मृति। उसके बाद अरे आप लोगों को नहीं बताया श्लोक, रूबिलास, ईशाद पितस्य विपर्ययो स्मृति, तन्मायया तो आभजेतम, याद कर लेना जाके 11th कैंटो में, स गुरुदेव आत्मा। सो समथिंग, या सो भय, समझ गया, भय अगर भय हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंस से डिसाइड नहीं कर सकते हम कि इंटेलिजेंट है तो ब्राह्मण है, नहीं, मतलब इतने सारे इंजीनियर डॉक्टर भी तो हैं, सब शूद्र हैं, तो ब्राह्मणिकल ब्राह्मण बन गए क्या, ब्राह्मणिकल गुनाह गए, नहीं, सब शूद्र है, सब डरते हैं, तभी तो जॉब कर रहे हैं। तो जॉब कर रहे वो शूद्र है क्योंकि इसको डर लग रहा है, अरे हाँ मुझे थोड़ा पैसे मिल रहे हैं, सेटल्ड हूँ, मेरा गुड़गांव में फ्लैट है और पैसे मिल रहे हैं, जॉब लगी हुई है, चलो भाई ठीक है यार, अब ज्यादा छेड़ेंगे नहीं। सो वो शूद्र है वो, या ठीक है मैं मंदिर में एक रूम मिल गया, चलो भाई ठीक है, खाना पीना मिल रहा है, अपने आराम से बैठे हुए यार, ज्यादा छेड़ो वेड़ो मत तो शूद्र है वो, भक्त है मगर भक्ति कर रहा है, मगर शूद्र के गुण है, दैट्स अ होल आइडिया। भक्ति तो कर रहा है मगर अभी शूद्र के गुण है, क्योंकि अभी शुद्ध भक्ति नहीं है ना वैसी, तो इसके बियॉन्ड नहीं चला गया, अभी शूद्रों के गुण आ गया उसमें, तो भय तो ठीक है, उसको इस सपोर्ट की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है। ओके, वैश्य के गुण क्या है, तो आपको किसी में पता लग जाए भय है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इसमें शूद्र, ठीक है, डिवोटी डिवोटी है बट शूद्रों के गुण है, तो उसको उस तरह से एंगेज करना पड़ेगा, तो उसको आप नॉर्मल सर्विसेज में लगा दो वो संतुष्ट रहेगा। आप उसको मैनेजमेंट में डालोगे, या आप उसको कहो कि भाई तुझे तुझे बिजनेस करना है मंदिर के लिए, वो कर नहीं पाएगा, वो डरेगा। दिमाग तो लगा लेगा बैठ के, दिमाग तो उसमें भी होता है, दिमाग तो जानवर में भी होता है भैया, अपना मतलब निकालने के लिए सब दिमाग लगा लेते हैं, दिमाग तो सब में होता है मगर उससे नहीं पता लगता। जैसे वो नहीं था शंभूक, वाल्मीकि रामायण में शंभूक पता है ना, जो जो उल्टा लटके तपस्या कर रहा था, राम ने गला काट दिया था जिसका, उसका नाम शंभूक था, तो तपस्या कर रहा था, अब वो तपस्या कर रहा है तो क्या है, वो शूद्र है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय क्या है, वो शूद्र था अब तो गुणों से बोल रहा हूं ना मैं, जाति से नहीं ना, तो वैसे तो लग रहा है कि ब्राह्मण है, कल नहीं तपस्या ही कर रहा है वो, योगी है नहीं, मगर एक्चुअली राम भगवान ने कहा कि वो है शूद्र, गुणों से शूद्र है, तपस्या करना है उससे नहीं पता लगेगा कि ब्राह्मण है, तभी राम भगवान ने गला काट दिया, क्योंकि शूद्र इसलिए क्योंकि भगवान, राम भगवान ने कहा इसके हृदय में इच्छा है कि ये शक्तियां लेके शिव बनना चाहता है, शंभूक शंभू बनना चाहता है, अकल्याण करना चाहता है, सो शूद्र है। ओके, इसको मार दो। दूसरों कल्याण करने के लिए निर्भय होना पड़ता है, समझे, दैट्स वन थिंग। स्वार्थ में ही भय होता है नहीं, वहीं पे भय है, क्योंकि दूसरों की मदद करने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, आप जिसकी मदद करोगे वही आपको पे चिल्लाएगा, ये संसार है ऐसे ही होता है, आप जिसको उठाओगे वही आपको दबाएगा, ऐसे ही है संसार, देख लेना आप। सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन आपको डसेगा, शेर को पालतू बनाओगे तो आपको ही खाएगा एक दिन।
तो संसार तो संसार ही है, चलो संसार के नियम ही ऐसे हैं, सो दैट्स अ होल पॉइंट। तो क्योंकि वो शंभूक स्वार्थी था, अपने में था, मुझे करना मुझे करना, इसलिए उसमें भय, दूसरों का कल्याण करने के लिए निर्भय होना पड़ता है, क्योंकि दूसरों का कल्याण करने के लिए आपको अपनी अपना जीवन दान करना पड़ता है ना, वो सबसे ज्यादा उसके लिए तो पूरा निर्भय होना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु क्या था, निर्भय या भयभीत? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ऐसा लग रहा है उसने सबको, एक्चुअली सबसे भयभीत व्यक्ति वही था, क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह थी ना, अपना प्रेस्टिज खोने का भय था, है नहीं, अपनी पावर्स खोने का भय, वो भय से भरा हुआ था, तभी सब कुछ कर रहा है। जो निर्भय होता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ खो ही नहीं सकता, दैट्स ऑल फिनिश। सो वो एक चीज पहचानना मुश्किल होती है, इसलिए हिरण्यकश्यपु भी शूद्र था, ऑफकोर्स वो तो असुरी था, वो तो चलो अलग ही कैटेगरी में आ गया, वो तो राक्षस है, वो तो शूद्र का लक्षण है भय। ओके, सो जरूरी नहीं, अगर मान लीजिए किसी को बहुत शास्त्र याद हो रहे हैं, श्लोक याद रह रहा है, फिलॉसफी बोल रहा है, तो शूद्र है ब्राह्मण है, क्या कहते हो? डरपोक है तो वो शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। हो सकता है उसने सारा पढ़ लिया, उस इंटेलिजेंट है, विल नॉट टेक लाइक दैट, वो शूद्र है। आप पढ़ लो, आप रट लो, बट आपको ब्राह्मणिकल कॉलेज ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते आप। एकलव्य को, हाँ एकलव्य को रिजेक्ट कर दिया था द्रोणाचार्य ने, नहीं एकलव्य शूद्र था वैसे भी, और वैसे भी तो वैसे देखने में एकलव्य बिल्कुल ब्राह्मण का लग रहा था, नहीं गुरु भक्ति थी उसमें, तपस्या थी, इंटेलिजेंट था, दूर से ही सीख गया सब कुछ, तो कहेंगे यार ये तो इसमें तो ब्राह्मण का गुण है, मगर नहीं द्रोणाचार्य ने कहा तुम शूद्र हो, क्योंकि तुमने विद्या चोरी की है, मैंने तुम्हें मना किया तो तुमने क्यों सीखा? सो तुम में भय है कि मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यू सी दैट द होल पॉइंट। सो ओके, उसके बाद क्या है, वैश्य का एक गुण है तो क्या है, लोभ या कह सकते हो, इनको बोलना यार, इनको बोलना, ये चिल्लाए नहीं, मतलब क्यों चिल्ला रहे हैं, चिल्लाना क्यों है, ये तो शूद्रों का लक्षण है चिल्लाना विल्लाना टैटै करना, जो मुंह चलाता है वो शूद्र है, जो जो दिमाग चलाता है वो ब्राह्मण है, जो हाथ चलाता है वो क्षत्रिय है, जो पैर चलाता है वो वैश्य है अगर चलाने में बात करें तो प्रॉब्लम, जो केवल मुंह चलाता है, दैट्स अ होल पॉइंट, ऑफकोर्स ब्राह्मण भी बोलता है बट जो केवल मुंह चलाता है। ओके, सो वैश्य का लक्षण क्या है, वैश्य का एक लक्षण है कि वैश्य ऑफकोर्स भय तो होता नहीं, वैश्य अगर देखना कि वैश्य है या नहीं तो उसका एक लक्षण देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, यस्य लक्षणम प्रोक्तम, कैसे डिसाइड करेंगे वैश्य है? दिखावा है। वैश्य क्या होगा, वैश्य के वैसे दो गुण होते हैं, मगर एक मेन गुण है वैश्य का कि वो पैसे की डीलिंग्स में एक्सपर्ट होगा, वो तो चलो कर्म से आ गया, वो तो कर्म आ गया, गुण से क्या है, गुण से क्या है, ओ तेज, ओ नहीं, दान का गुण है, दान का गुण है वो वैश्य, वैसे काम उसका है, काम है मनी से डील करना, गुण है दान का, अगर किसी में दान का, अगर किसी को शूद्र भी हो सकता है एक्सपर्ट मनी में डील करने में, मगर दान का गुण नहीं है तो वैश्य नहीं है, उसको हम नहीं लगाएंगे उसमें, क्योंकि वो अपने लिए इकट्ठा करेगा, गंदा आदमी बन जाएगा, है नहीं। सो दान का गुण होता है वो वैश्य होता है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वो तो कर्म है, वो कर्म है, गुण नहीं है वो, खेती करना, गाय पालन करना, वाणिज्य मतलब बिजनेस करना, कर्म है, गुण है दान का, वो जो करेगा कमाएगा उसका मन करेगा मैं दूं सोसाइटी को, तब उसको वैश्य कहते हैं,
समझ गए नहीं समझ गए, तो दैट्स अ होल वेरी वेरी डिफरेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे भाई इसका इंटरेस्ट है गाय में खेती में तो इसको हम वैश्य में डाल दें, जरूरी नहीं है। अगर उसमें गुण नहीं है दान का तो फिर उसको नहीं डालेंगे, उसको शूद्र में ही रखेंगे। कि शूद्र का भी मन कर सकता है गाय पालन करने का, नहीं उसका ये होता है ठीक है मन कर रहा है एक्सपोर्ट है, और खेती वो भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। सो दान, दान बहुत बड़ा गुण है, इसलिए वैश्य पालन करते हैं सोसाइटी का। वैश्य का फंक्शन ही है पालन करना। ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रियों को टैक्स देते हैं नहीं, उनकी ट्रेजरी बढ़ाते हैं, ब्राह्मण का पालन करते हैं, शूद्र का पालन करते हैं, वैश्य ऐसे चलते हैं। और इसलिए वैश्य वैश्य वैश्यों के लिए सबसे प्रधान धर्म है गृहस्थ धर्म। सारे वैश्य शादी करते हैं और गृहस्थ आश्रम में जाते हैं नहीं तो ठीक रहता है। वैश्यों के लिए संन्यास नहीं होता, मैक्सिमम वानप्रस्थ तक जा सकते हैं, को मेंटेन करते हैं सोसाइटी को। हाँ ब्राह्मणिकल ब्राह्मण ही संन्यास ले सकते हैं जिनमें गुण आ गए। ओके क्षत्रिय में अगर एक गुण देखना है तो क्या देखना है, अगर डिसाइड करना है क्षत्रिय है इसको मैनेजमेंट में लगाना है, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूशन में तो सभी मैनेजमेंट में आ गए, शूद्र भी मैनेजमेंट में आ गया है, हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स में कंट्री में ऐसे ही हो रहा है नहीं, शूद्र भी उसमें गुण ही नहीं है, उसको मैनेजमेंट लगा दिया, वो पागल हो रहा है, 10 लोग पागल हो रहे हैं उसके अंदर। तो क्षत्रिय में क्या गुण है, एक तेज, तेज तेज होता है उनमें, तेज तेज बल का तेज, बलवान होते हैं। और इनफैक्ट क्योंकि बलवान होते हैं इसलिए प्रोटेक्शन देते हैं दूसरों को, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कहेंगे, रक्षा, हाँ रक्षा करते हैं। सो तेज होता है उनमें शरीर का और बुद्धि का तेज, शरीर का वैसे मोस्टली तेज होता है, दे आर स्ट्रांग। सो वो क्षत्रिय हैं। और ब्राह्मण में अगर गुण देखना है तो क्या देखना है, अब मुझे बताओ। हाँ एक टेक्निकल वर्ड होता है ओज, ब्राह्मण में ओज होता है, ओज ऊर्जा। ब्राह्मण में एक गुण देखना है तो ऊर्जा देखनी पड़ेगी, शुद्धता की ऊर्जा, दैट्स द होल आइडिया। सत्य, सत्य होता है एक ब्राह्मण, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही देखते हैं, जो सत्य के पे स्टिक्ट है, सत्य के रास्ते पर चलता है, सत्य बोलता है, सत्य जीता है, वो ही ब्राह्मण है, अदरवाइज ब्राह्मण नहीं है। बस ये मतलब वो उपनिषद में स्टोरी उसी के तो आ रही है, कौन था वो, सत्यकाम, सत्यकाम वो उस नाम ही उसका सत्यकाम है। गुरु कौन, क्या कौन से गुरु थे, गौतम ऋषि थे, कौन थे, गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि के पास ये लड़का आया छोटा, उसने कहा मुझे तो वेद पढ़ने, तो वेद ब्राह्मणों को पढ़ा सकते हैं। तो गौतम ऋषि ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी माँ वैश्या थी, मुझे नहीं पता मेरा पिता कौन है। तो सारे स्टूडेंट्स तो पीछे हो गए, भाई ये कौन आ गया है, तो माँ वैश्या, ये ब्राह्मण, ये तो नॉनसेंस है, तो चंडाल ही हो गया, मतलब नीचे हो गया ये तो, इसकी ये तो आउटसाइड है। तो गौतम ऋषि ने कहा ये ब्राह्मण है क्योंकि इसने सच बोला है। यू कैन इमेजिन, आई मीन टू से बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी वो है ये जो इंसिडेंस है, बहुत ही फनी है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे बीच में कोई आ जाए कि मैं तो वैश्या का बेटा हूं, कैसा लगेगा आपको, आप ही लोग बात नहीं करोगे, अरे ठीक है क्या है। बट गौतम ऋषि ने कहा ये ब्राह्मण है क्योंकि इसने सच बोल दिया। तो सत्य सबसे बड़ा गुण है ब्राह्मण का, और ब्राह्मण परम सत्य पे चल, परम सत्य से आसक्त होता है, वो है कृष्ण। तो सत्यम परम धीमहि, तो सत्य देखना पड़ता है। जो झूठ बोलता है, जो दूसरों से झूठ बोलता है और अपने आप से झूठ बोलता है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। दूसरों से झूठ बोलना तो चलो झूठ बोलना ही हो गया, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, भोग करना अपने आप से झूठ बोलना ही है। बस आपने बोला है ना भगवान के सामने मैं आपका सेवक हूं, और कर क्या रहे हो आप, झूठ ही बोल रहे हो अपने आप से, झूठे हो, इसलिए शूद्र हो, दैट्स ऑल, ब्राह्मणिकल नहीं हो। सत्य बहुत बड़ा गुण है सत्य, दैट्स अ होल पॉइंट।
तभी तो सत कहते हैं, सत सत तभी तो वर्ड है, ओम तत् सत, तभी तो सत वर्ड आ रहा है, सत्य से ही तो आ रहा है, सत सत से ही सत्य आ रहा है। सत भगवान को भी सत ही कहते हैं, ओम तत् सत। तो ब्राह्मण में सत्य देखना होता है, ऐसे पता लग जाता है कि वो ब्राह्मणिकल है या नहीं। सो ओके, सो दैट्स, अभी नारद मुनि कह रहे हैं यस्य लक्षणम प्रोक्तम, लक्षण से डिसाइड करो कौन व्यक्ति कौन है, और उसके अनुसार पुंसो वर्ण अभिव्यंजिका, उसके अनुसार उसके कर्म उसको दे दो, उसके अनुसार उसको डिप्यूट कर दो, तुझे ये करना है, तुझे करना है, तुझे, क्योंकि ब्राह्मण के पास सत्य का गुण है, इसलिए उसका कर्म क्या है, ब्राह्मण का सबसे प्रधान कर्म क्या है, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, क्योंकि ज्ञान लेने और देने में सत्य की बहुत जरूरत होती है, वरना आप तोड़ोगे और मरोड़ोगे, इंटरप्रेट करोगे। तो अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, सत्य का गुण नहीं है, तो उसको कभी भी ब्राह्मणिकल उसको उसको नहीं करेंगे हम पठन पाठन में, क्योंकि वो चेंज करेगा, चेंज करेगा पूरे ही पूरे, सोसाइटी खराब हो गई, उसने तो पूरा मिसइंटरप्रेट कर डालेगा वो तो। इसलिए बेटर है भाई उसको ज्यादा पढ़ाओ मत, पठन पाठन में वो नहीं जाएगा। हरे कृष्णा, पठन पाठन में वो नहीं जाएगा, दैट्स नॉट अ राइट आइडिया। उसको अब वो आप वो कहेगा यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वो कहेगा देखो मैं जो तो श्लोक याद हो जाते हैं, जैसे आपका आप एग्जांपल दे रहे थे, उस श्लोक याद हो जाते हैं, मेमोरी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है कुछ नहीं होता, मेमोरी अच्छी है आत्मा गंदी है तो ब्राह्मण निकल नहीं है वो नहीं है। मेमोरी मेमोरी क्या है, मेमोरी तो बहुत, मेमोरी तो क्या, मेमोरी तो चैंपियन बैठे हैं चेस, मतलब मेमोरी चैंपियंस बैठे हैं, पूरे कार्ड रट लेंगे, वो रट लेंगे क्या, शूद्र एक नंबर का। सो यस, तो इसलिए ब्राह्मण का काम है पठन पाठन, वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा, तो पढ़ेगा तो एज इट इज ले लेगा सत्य और एज इट इज दे देगा, दैट्स ऑल। इसलिए वर्णाश्रम में अगर किसी को ज्यादा पढ़ाना है और पढ़ने का काम करना है तो देखना पड़ेगा उस सत्य है, और वो हमें पता लग जाएगा उसकी उसकी क्रियाओं से पता लग जाएगा कि सत्य उसमें है यानी, मतलब वो भोग कर रहा है, भोग करने की आदत है, नियम तोड़ने की आदत है, इसका मतलब सत्य का गुण है ही नहीं उसमें। उसको कहेंगे भाई तू खेती कर या तू झाड़ू मार और श्लोक बोलता रहे अपने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पढ़ा नहीं सकता वो, और ना ज्यादा, मतलब वेद वेद पढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद बुक्स तो सबको पढ़नी होती है, वेद पढ़ने की बात, एक टेक्निकल सेंस में ज्यादा एजुकेशन वी डोंट गिव हिम। ओके, ब्राह्मण का कर्म है पठन पाठन में, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, दैट्स आई मीन टू से, प्रीचिंग तो सभी कर सकते हैं बट अल्टीमेटली ब्राह्मणिकल लोगों को प्रीचिंग करनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है, वरना सब अपने मन से कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी आता रहेगा, वो खुद फॉलो नहीं कर पाएगा, दूसरे उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। तभी शायद धर्म में लिखा है कि बोलने से पहले पालन जरूर करना, वो ही बोले जो पालन करता है, जितना पालन करे उतना बोलो ठीक है वो सही है, जो पालन नहीं करे वो मत बोलो, दैट्स ऑल, दैट्स वो सत्य है नहीं, कि मैं जो कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, जो नहीं कर रहा मैं नहीं बता सकता, दैट्स ऑल फिनिश। मतलब लोग राधा कुंड पे जाते हैं और ये मंजरियों के बारे में, गोपियों के बारे में बोल रहे हैं, भाई तुम्हें कुछ आइडिया है उसका तो बोल दो, नहीं आइडिया तो क्यों बोल रहे हो, जस्ट स्पीक व्हाट यू नो, दैट्स ऑल फिनिश, वो सत्य है, ठीक है। ओके, ब्राह्मण का काम ही हो गया, क्षत्रिय का काम क्या है ये तो पता होगा, हाँ मतलब मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर आप ब्राह्मणिकल कहोगे तो ब्राह्मण का काम हमारे इंस्टीट्यूशन में होगा, अगर कोई ब्राह्मणिकल गुण होगा जिसमें सत्य का तो उसको हम कहेंगे तुम प्रीचिंग करो, गाइड करो लोगों को, यू नो गाइड पीपल, नॉलेज, ओके फाइन। और अगर क्षत्रिय, क्षत्रिय काम क्या है, काम क्या है, काम या मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और रक्षा, डिफेंस, वो क्षत्रियों का काम है, वो करते हैं क्षत्रिय, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, मतलब मैनेजमेंट एंड डिफेंस, भगवान ये कह रहे क्षत्रियों का, भूल गया मैं, गीता में कह रहे क्षत्रिय के लिए, आई जस्ट फॉरगॉट,
एनी वे ओके, क्षत्रिय का काम है और वैश्य का काम क्या है? वैश्य तो पता लगे गोरक्षा वाणिज्यम व्यापार गाय और खेती वो वैश्य होगा ठीक है ये कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस। और शूद्र का काम क्या है? बाकी तीन वर्णों की सेवा करना। मतलब शूद्र मतलब एक शूद्र मतलब वो हो गया कि कहते हैं रनर अप नहीं होते जहां भी काम है वहां पे चला जाता है वो। तो ब्राह्मण कुछ यज्ञ कर रहा है यज्ञ के लकड़ी लानी है चलो उससे बोल दिया। हाँ स्किल्स बेसिकली शूद्रों के काम हो गए वरना बेसिकली जहां फिट होता है वहां उसको ले लेते हैं। वैश्यों को खेती में हेल्प की जरूरत है तो वहां पे चला गया। इसे लेबर नहीं होते लेबर पार्टी इस टाइप से वो उसी में खुश होगा। अब कहोगे यार तुम ऐसे कर रहे हो वो उसी में खुश है वरना परेशान हो जाएगा। आप शूज को बिजनेस में डाल दो वो पागल हो जाएगा और दूसरों को पागल करेगा पूरा क्योस हो जाएगा पूरा क्योस हो जाएगा तो उसके लिए ठीक नहीं है दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है। नहीं आप शुद्ध को बोल दो भाई तू मैनेजमेंट में चला वो तो कर ही नहीं पाएगा उसमें क्वालिटीज ही नहीं है। क्षत्रिय में तेज होता है मैनेजमेंट क्षत्रिय मैनेजमेंट कर पाता है पता है क्यों? क्योंकि क्षत्रिय 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 में एक क्या कहते हैं कैरिज्मा होता है कैरिज्मा समझते हो ना कैरिज्मा कैसे कहेंगे हिंदी में तेज तेज कैसे कहेंगे। क्षत्रिय पे लोगों का फेथ आ जाता है कि हमें लीड कर सकता है हाँ वो लीडरशिप क्वालिटी होती है क्षत्रिय में तो अपने आप आ जाता है कि यस तो उसके अंडर रहते हैं लोग अपने आप रहने का मन करता है अंडर। ऐसा नहीं वो कमांड कर रहा है अबे तू मेरी नहीं सुन रहा तू नहीं सुन रहा तू नहीं सुन रहा तू नहीं सुन रहा तो वो फिर प्रॉब्लम है वो फिर क्षत्रिय है नहीं वो क्षत्रिय नहीं इसका मतलब। अगर उसको कहना पड़ रहा ना यार ये नहीं सुनता मेरी बात ये नहीं सुनता कोई आ जा भी मैनेजमेंट में टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी देखिए वो नहीं सुन रहा मेरी बात वो नहीं सुन रहा वो नहीं सुन रहा वो नहीं सुन रहा तो हम क्या बोलेंगे भैया ऐसा कर अब आपको पता ही ऐसा कर तू आराम से बैठ जा किसी और की जरूरत है क्योंकि उसमें कैरिश्मा ही नहीं है कि लोग सुने उससे। क्षत्रिय ऐसा होता है तो क्षत्रिय का काम ये और शूद्र का काम हो गया। तो शूद्र ये चारों काम है गुण कर्म यही आ रहा है यथे लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजिका यद अन्यत्र दृश्यत तत्तेन एव विनिर्दिशेत। जहां भी ऐसे गुण दिखाई दे उसके अनुसार करना चाहिए जन्म और कर्म से हम नहीं चलते। अब प्रॉब्लम यह है कि ये करने के लिए आपको भक्त होना पड़ेगा समझे क्योंकि भक्त नहीं होगे तो फिर आप जन्म में और उसमें घुस जाओगे कास्ट में घुस जाओगे। भक्ति इससे ऊपर उठ जाते हैं ना उपाधियों से सर्व उपाधि क्या है पूरा श्लोक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम कहां से श्लोक है हाँ कहां से है वही तो बात है। भक्ति सिंधु का कौन सा श्लोक है बताओ फिर वन वन इलेवन पक्का देखना आप और कौन से शास्त्र से श्लोक है ये मुझे बताओ। प्रभुपाद का पेट श्लोक है नारद पंचरात्र सातपद संहिता। मैंने कहा तीन संहिता मेन है ना मोस्टली श्लोक हमारे वहीं से है सातपद संहिता से नारद पंचरात्र का श्लोक है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है वो मतलब भक्ति करने से सारी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद उल्टा ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति ऋषिकेश की सेवा करने से सारी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। सो भक्त ही ये श्लोक फॉलो कर सकता है क्योंकि भक्ति करने से हमें समझ आ जाएगा भाई जन्म का कोई रिलेशन नहीं है कास्ट का कोई रिलेशन नहीं है तो कैसे डिसाइड करे गुणों से। ओके गुड भक्त तो गुणों पे फोकस करेगा है ना भक्त को तो गुणों पे फोकस करना है तो इसलिए ये जो श्लोक है ये दैवी वर्णाश्रम में ही पॉसिबल है। दैवी वर्णाश्रम वो होता है जहां पर भक्ति प्रधान होती है। धर्म को जीवित रखने वाली भक्ति है क्योंकि बिना भक्ति के धर्म जीवित नहीं रह सकता। इसलिए इसलिए दोनों की जरूरत होती है बिना भक्ति के ना धर्म पालन कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते आप।
क्योंकि धर्म करने के लिए आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा, निस्वार्थ होने के लिए आपका आपको मतलब यू हैव टू हैव डिवोशन। आप भगवान के लिए काम करोगे तभी तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा निस्वार्थ क्या होता है, अदरवाइज तो आप अपने में घुसे पड़े रहोगे। सो भक्ति धर्म को पोषित करती है और धर्म भक्ति की सहायता करता है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं नहीं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड की सेवा करेगी, उसका ध्यान रखेगी, उसको पोषित करेगी, मतलब वाइफ हस्बैंड को मोटा बनाती है नहीं, बस ये कह लो हेल्दी मोटा और वाइफ कर देगी और खुश कर खुश रखेगी हस्बैंड को, नहीं खुश रखेगी ना वाइफ, और हस्बैंड क्या करेगा वाइफ का, वाइफ को रक्षा देगा, यही ये रिलेशनशिप है ना दोनों का। तो ऐसे ही धर्म का भक्ति का है, धर्म वाइफ है और भक्ति हस्बैंड होगा एक तरह से, अगर वैसा इन रिलेशनशिप में वैसे समझ सकते हो। तो भक्ति धर्म की रक्षा करता है, ये बिना भक्ति के धर्म टूट जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, और धर्म भक्ति को खुश रखेगी। धर्म पालन करोगे तो भक्ति आराम से होगी, वरना भक्ति कर नहीं पाओगे। ये रिलेशनशिप है भक्ति और धर्म का, मतलब प्रीति और नीति का, मैंने बताया ना प्रीति नीति की रक्षा करती है और नीति प्रीति को खुश रखती है, मतलब आराम से प्रीति होगी भगवान की अगर सही नीति से चलोगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी, प्रीति नहीं हो पाएगी। सो ये रिलेशनशिप है, तो इस तरह से हम ये श्लोक समझ सकते हैं। और अब तो बहुत ज़रूरत है हमारे इंस्टीट्यूशन में सबकी, नहीं मतलब जैसे प्रभुपाद ने बोला ये वर्णाश्रम धर्म 50% वर्क है, और वैसे भी ज़रूरत है, मतलब जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बढ़ जाती है तो ये कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ता है, अदरवाइज वो इंस्टीट्यूशन ब्रेक हो जाएगी। इतने सारे लोग आ गए ना, अलग अलग टाइप के लोग आ गए, मतलब पहले तो चलो थोड़े ही थे प्रभुपाद के साथ, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन आया, कोई काला कोई नीला कोई पीला, मतलब सब जगह से आए, कोई पागल आ रहा है कोई दिमाग खराब आ रहा है कोई गंदा आ रहा है कोई अच्छा आ रहा है, पता नहीं ना, तो कैसे मैनेज करें फिर, कैसे करें, सबको हम चैंटिंग बोल देंगे तो चैंटिंग से तो इमीडिएटली कुछ होगा नहीं, हमारे नहीं और उनका क्या हो जाएगा, इमीडिएट थोड़े ना कुछ होता है। तो हाउ टू मैनेज, हाउ टू मेक अ सिस्टम, वो है ये सिस्टम, अदरवाइज क्रैश हो जाएगा सब, सब परेशान हो जाएंगे। So like that, okay. So we'll stop here. Any questions? We'll stop here. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Oh really, it's so much, itna time ho gaya, pata hi nahi laga. Haan? Question. Kya? Jise, aap bata rahe ki, bhai, dharm, shama wo hai, jo shastro ke adhar pe shama kiya gaya hai. Aur shama wo bhi hai, jo bhagwan, dharm wo hai, jo bhagwan bolte hai, dharmas ke sabse. तो अश्वत्थामा केस में भगवान बोल रहे थे अर्जुन को कि अश्वत्थामा को मार दो, तो ये धर्म हुआ था, लेकिन द्रौपदी नहीं, भगवान परीक्षा ले रहे थे, भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, द्रौपदी कह रही थी कि क्षमा कर दो, है नहीं, द्रौपदी कह रही थी क्षमा कर दो, हाँ जी भगवान कह रहे मार दो, लेकिन फिर भगवान अब भीम कह रहा था मार दो, भगवान ने कहा अर्जुन तुम डिसाइड कर लो, भगवान भी कह रहे थे वैसे मार दो, है नहीं। तो क्वेश्चन है कि द्रौपदी सही कर रही थी नहीं कर रही थी, है ना, ये क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि उसने तो वैसे ही गलत किया था, सोते हुए को मारा था। हाँ तो द्रौपदी ठीक कर रही थी नहीं कर रही थी, तो वेल द्रौपदी का लॉजिक था कि भाई जैसे मेरे पुत्र मरे मुझे दुख मिला है, तो ये मरेगा तो इसकी माँ को भी दुख होगा, है नी, द्रौपदी का लॉजिक ये था। एक दृष्टिकोण में धर्म तो हो गया है, मगर अगर द्रौपदी के केस में देखें तो द्रौपदी ने सही लॉजिक नहीं दिया, क्योंकि आतताई को मारना धर्म है, नहीं गलत तो नहीं है वो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते द्रौपदी ने पूरा गलत कह दिया, क्योंकि द्रौपदी प्योर डिवोटी है, है नहीं। सो भक्ति से धर्म जन्म लेता है नहीं, धर्म से भक्ति जन्म नहीं लेती, धर्म तो सपोर्ट करता है भक्ति को, कि द्रौपदी शुद्ध भक्त है इसलिए द्रौपदी कुछ भी बोलेंगी वो धर्म अपने आप बन जाएगा, दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो इसलिए द्रौपदी की बात भी धार्मिक है, और भीम की बात तो बिल्कुल ही धर्म है, इसको मार दो आता था ही है। तो भगवान अर्जुन से कहा अर्जुन दोनों फॉलो करो तुम, क्योंकि
द्रौपदी तो भक्त है, भक्ति से जो आया है वो धर्म अपने आप ही हो गया, और भीम तो शास्त्रों के अनुसार बोल रहा है वो तो धर्म है ही, तो इसलिए तुम्हें दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। तो अर्जुन ने दिमाग लगाया, अर्जुन ने कहा चलो ठीक है, इसको हम मूछे और बाल उसका तो उसको क्या कहते हैं कुरूप बना दिया ना, उसकी उसकी निंदा अपमानित कर दिया, अपमान करना मृत्यु से भी बदतर है, तो हो गया बस ये बस दैट्स ऑल। समझ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मगर ऐसे समझना होता है इसको। पुराने आचार्य क्या होता है? वो भय से ये कि अभी तो क्वेश्चन क्या है, भय से किस प्रकार अलग है मतलब? वो ये होता है भाई, ऐसा होता है कि अभी तो हम भय से ही कर रहे हैं ना शरणागति। भय ही है आपको कि 16 माला नहीं करोगे तो अपराध लग जाएगा, है नहीं? मंगल आरती नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा, वैष्णव के प्रति करेंगे अपराध, अपराध का तो डर है ना अभी। अपराध का डर होना गलत नहीं है, मगर केवल अपराध के डर से भक्ति करना वो गलत है, दैट्स द होल पॉइंट। अभी तो हम नई अवस्था में, अभी हम लोगों का जो होता है अपराध से डर लग रहा है, या हमें डर लगता है कि हम गलत संग ले लेंगे तो हम गिर जाएंगे, वो डर ही तो है। तो गलत संग का भय होना गलत नहीं है, मगर गलत संग के भय से फिर आप अपनी भक्ति को बचाते फिरते रहो तो प्रॉब्लम है। सी द पॉइंट, डिफरेंस है उसके अंदर, डिफरेंस है नहीं है? जैसे ब्रह्मचारी है भाई, ब्रह्मचारी कहेगा भैया तो स्त्रियों से दूर रहो यार, मैं तो गिर जाऊंगा, भक्ति खराब हो जाएगी, उसको डर है ना, तो ठीक है और फिर अपनी भक्ति बचा के रख रहा है। बट एडवांस स्टेज में फिर आपको फिर भी पता है कि स्त्री तो माया है, मगर उसकी वजह से आपकी भक्ति बढ़ेगी कम नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर आप प्रीचिंग भी कर सकते हो, ठीक है चलो कोई नहीं, अब वो भी एक जीवात्मा, उनको भी हम प्रचार करना है बट अपनी लिमिट्स में रह के, हमें पता है। मगर जो नए ब्रह्मचारी वो तो भागते फिरते रहेंगे, वो या आरती में नहीं जाएंगे, माता जी जा जाएंगे, वो इसी तो पंथ, ऐसा डिफरेंस। सो अभी तो हम भय से कर रहे हैं, भय से, वैधि भक्ति भय से ही होती है, मगर रागुणों का भक्ति बिना भय से होती है, लोभ से होती है भगवान को प्राप्त करने की। उसमें भय भी होता है मगर भय सेकेंडरी होता है, लोभ से होता है। फिर हम जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे फिर हम वैष्णवों की निंदा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें डर लगता है, हम वैष्णवों की निंदा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें समझ आ रहेगा कि वैष्णवों की निंदा करने से भगवान को दुख पहुंचता है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो बस खत्म हो गया। सो इस तरह से डिफरेंस है थोड़ा सा, डर, दैट्स वन ऑफ द डिफरेंस। लाइक भय प्रवृत्ति है उसमें। ओके कुछ पूछना, कुछ कहना था भाई? आई जस्ट स्टॉप योर प्रेस की शोर, लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टॉप। तो अच्छा जन्म, हाँ जन्म अगर ब्राह्मण के परिवार में लिया है तो पिछले जन्म में भी कुछ संबंध तो होना चाहिए, वरना ब्राह्मण के परिवार में क्यों पैदा होगा, ये कह रहे हो ना? होता है मगर कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में सब वर्ण शंकर हो गए, प्रॉब्लम ये है। पहले था फोन, सो पहले तो था, पहले कास्ट में भी मोस्टली जो ब्राह्मण परिवार में रहते थे उनमें ब्राह्मणिकल गुण होते थे, क्योंकि अब तो सब खत्म हो गया, इसलिए गड़बड़ है, कुछ कह नहीं सकते, नहीं बस ये क्या कहते हैं उसको, इंटर ब्रीड, ब्रीड खराब हो गए हाइब्रिड हो गए बीच में हम, मतलब हम देसी नहीं रहे, अब सब मिक्स विक्स हो गया पता नहीं कहाँ, इसलिए नहीं हम चलते। ओके सो वील स्टॉप हियर। धूप में अच्छा ठीक है, ओके सो वील स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।